नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज 13 मई है और लोकतंत्र का महापर्व है। कह सकते हैं कि पूरे देश भर में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके चौथे चरण में पलामू जिले की बारी है और पलामू जिला के लगभग 2400 मतदान केंद्रों पर 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। कैपिटल न्यूज के माध्यम से हम मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी दिखाएं। शहर के साथ साथ अभी हम खड़े हैं ग्रामीण इलाके में और ग्रामीण इलाके में भी आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की लंबी कतार है। पुरुषों के साथ साथ बात अगर आधी आबादी की करें तो आधी आबादी महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी नजर आ रही है। गर्मी का मौसम है, धूप की तपिस है, लोग पसीने से तरबतर हैं, इसके बावजूद लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं नावा बाजार जो कि विश्रामपुर विधानसभा इलाके में आता है। बात अगर हम झारखंड की करें और झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर आज के दिन यानी कि चौथे चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और अगर हम बात पलामू लोकसभा की करें तो पलामू लोकसभा में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र, पाटन छतरपुर का विधानसभा क्षेत्र, बाल्टीगंज चैनपुर का विधानसभा क्षेत्र और विश्रामपुर हुसैनाबाद का विधानसभा क्षेत्र और विश्रामपुर का विधानसभा क्षेत्र 5 विधानसभा क्षेत्र है। और सभी जगहों पर अभी तक जो स्थिति है जो सूचना मिल रही है तमाम जगहों पर ठीक जगहों को छोड़कर सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 9 बजे तक जो रुझान आए थे 11.47% मतदान के बाद जिला प्रशासन की ओर से आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि पूरे पलामू जिले में 22,43,034 मतदाता इस बार अपने वोटिंग वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस बार के पलामू लोकसभा चुनाव में कुल 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और जिनका भाग्य ईवीएम में आज के दिन कैद हो जाएगा और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। खास करके अभी हम बात जब ग्रामीण इलाकों की कर रहे थे तो कैपिटल न्यूज के दर्शकों को हम यह भी बताना चाहते हैं कि एक दशक के लंबे इंतजार के बाद यहाँ की माहौल और यहाँ की फिजा जो है वो बदली नज़र आ रही है। ये नवा बाजार का वही मतदान केंद्र है जब 2011 में चुनाव हो रहा था। चुनाव के ठीक पहले यहाँ नक्सलियों द्वारा हमला किया गया था और उस हमले में 2 जवान शहीद भी हुए थे और दर्जनों जवान घायल भी हुए थे। ग्रामीण जो है स्थानीय ग्रामीण वो बताते हैं कि उस समय का दौर और अभी के समय के दौर में काफ़ी बदलाव आया है और इस बदलाव की झलक जो है आपको लोगों के उत्साह में भी के रूप में भी देखने को मिल रही होगी कि कैसे लोग अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर आए हैं और घंटों इंतजार खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्थानीय कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे कि तब का जो समय था जब 2011 की अगर हम बात करें और आज 2024 में हम ये जो रुझान देख रहे हैं कितना फ़र्क महसूस करते हैं। हम चचा से भी बात करेंगे, आप पहले बताइए कितना फ़र्क और कितना बदलाव आया है इस समय में। बहुत बदलाव आया है। पहले लोग डर के मतदान करते थे, अब खुल के मतदान कर रहे हैं। अभी 2009 में जो कांड हुआ था उसके बाद से आज़ादी से लोग मतदान कर रहे हैं। अब कोई भय का माहौल नहीं है, कहीं कुछ नहीं। तो ये स्थानीय ग्रामीण है जो यहाँ बैठकर पूरे मतदान प्रक्रिया का जायजा भी ले रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो ये व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहे हैं। चाचा आपका नाम क्या हुआ और कितना उम्र है आपका? मेरा नाम उम्र 80 साल। कब से आप वोट दे रहे हैं, कितने साल से? हम करीब 55 से वोट दे रहे हैं। कितना फर्क महसूस करते हैं पहले और अब के समय में? बहुत अधिक शांति है, पहले तो बहुत दिक्कत थी। 2011 के विधानसभा चुनाव की घटना को अगर याद होगा आपको तो उस समय क्या हुआ था? थोड़ा गोली कांड हुआ था। उसको मत उठाना, उसको उठाकर समझे ना। उस वक्त यहाँ पर गोली कांड हुआ था, कुछ पुलिस जवान भी शहीद हुए थे। हाँ, एक जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से काफी समय बदल गया है। बदल गया और शांति में है, लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। तो ये देखा आपने और हम कैमरे की नज़र में आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से महिलाओं का हुजूम
निकल कर आ रहा है और अभी आबादी जिसे हम कहते हैं, और ख़ास करके वो महिलाएं जो मुस्लिम समाज से आती हैं, जो अमूमन इनके लिए कहा जाता है कि वो घरों में रहती हैं, नहीं निकलती हैं, तो वो अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। तो यही हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि समय धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बदला है, और पलामू जिले के पलामू में लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी काफ़ी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये वो दौर जब नक्सलियों का दौर था, जहाँ भय और खौफ के साये में मतदान होता था, अब लोग बेखौफ और निडर होकर मतदान करने के लिए निकले हैं। एक बार फिर से कैपिटल न्यूज़ अपने दर्शकों को ये अपील करती है कि आप भी घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदार बने।